सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज जो लोग पहाड़ों में जाना चाहते हैं हमारी तरह, इस तरह बर्फबारी में इंजॉय करना चाहते हैं बट बजट के कारण नहीं जा पाते, तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एकदम इको फ्रेंडली बजट में शिमला की टूर, जो कि आप इस बर्फबारी में और इस वादियों का व्यू ले सकते हो एकदम लो बजट में, समझो एकदम मतलब ना के बराबर पैसों के बजट में आप लोगों को मैं शिमला की टूर करवाऊँगा। सो पूरा आइडिया बताने वाला हूँ, मतलब किस तरह आप जा सकते हो एकदम लो बजट में। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को आना है भाई चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जहाँ की आपको 40 रुपये की टिकट पड़ेगी, जो कि होगी कालका रेलवे स्टेशन की। सो कालका रेलवे स्टेशन आप चाहे तो, अगर चंडीगढ़ से हो तो आप टू व्हीलर से आ सकते हो या पैसेंजर ट्रेन पकड़ के मात्र 40 रुपये में। उसके बाद आप लोगों को आना है कालका से शिमला के लिए लेना ही है अपनी टॉय ट्रेन, जो कि जिसकी टिकट आप लोगों को मैं बता दूं, टिकट की बात करें तो IRTC ऐप पे आपको इसकी टिकट मिल जाएगी, जो कि आपको एक महीने पहले लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी टिकट जल्दी मिलती नहीं, क्योंकि टॉय ट्रेन से हर कोई शिमला जाना चाहता है, तो इसकी टिकट आपको एक मंथ पहले ही लेनी पड़ेगी। तो इसकी टिकट आपको IRTC ऐप पे मिल जाएगी और इसका टाइमिंग का पता चल जाएगा। तो फाइनली देखो अपनी ट्रेन निकल चुकी है, कुछ इस तरह दिखेगी जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। और एक चीज़ और, जब भी आप जाना तो अपने दोस्तों के साथ जाना, बिकॉज 4 से 5 घंटे का सफ़र होगा इस ट्रेन का, एकदम मतलब हसीन रास्तों से, बट फ्रेंड होंगे तो 4 चांद लग जाएगा आपके सफ़र में। तो दोस्तों के साथ ज़रूर जाना, ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने अच्छे बैच के साथ जाना। और हर 2 मिनट पे समझो आपको ऐसे मतलब व्यू देखने को मिलेगा, अच्छी अच्छी टनल आएंगे, अच्छे पॉइंट आएंगे, व्यू पॉइंट आएंगे, हर एक ऐसा चीज़ आएगा जो आप कैमरे में कैप्चर करना चाहोगे समझो। और आपकी अगर ट्रेन ऐसी हमारी तरह सिग्नल ना मिले रुके, तो आप फुल इंजॉय ऐसे डांस कर सकते हो हमारी तरह, तो डांस देखो आप। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके थे शिमला डांस करते करते, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या हम 4 घंटे का रास्ता क्लियर करके शिमला पहुंच गए। और शिमला का वेदर देखो कितना ऑसम है। और शिमला से बाहर निकल के आपको करनी है फ्री के लिए टैक्सी, हमने भी टैक्सी बुक कर ली थी, जो कि हमें 3 से 4 हज़ार के बीच में पड़ी थी, जो हम 8 से 10 लोग थे तो हमें पर हेड 300 से 400 का खर्चा आया था, जो कि आपको 3 जगह का टूर कराएगा, कुफरी और जाकू मंदिर और एक जगह और जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो फाइनली देखो हम कुफरी पहुंच गए, जहां हमारे चारों साइड बस कीचड़ और थोड़ी बहुत बर्फ़ें दिख रही हैं। तो यहां आपको और ऊपर जाने के लिए हॉर्स लेना पड़ेगा, जिसके हॉर्स की राइडिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि देख लो मैं कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही मतलब भयानक राइड है समझो, बहुत ही डरावनी राइड है, जिस पर आपको अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो बहुत ज़्यादा डर लगेगा, बिकॉज आप कीचड़ों के बीच और बर्फ़ों के बीच में ऐसे घोड़ों पर बैठ के चल रहे हो जिनका कोई पता नहीं है किधर आपको ले जा रहे हैं किधर नहीं। तो फाइनली देखो हम पहुँच चुके कुफरी की ऊंची पहाड़ियों पे, जहाँ से हमने लिया भाई एडवेंचर पैक, जो कि हमें 500 से 600 का पड़ा है, जिसमें है ये फर्स्ट भाई जिप लाइन, जो कि बहुत ही मतलब ऑसम है, जिस मतलब मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी अपना भाई जा रहा है, इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊँगा। और इसमें आपको कई तरह के मतलब 500 रुपये में आपको 3-4 एडवेंचर करने को मिल जाएगा, जो कि मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली हम भी निकलते, तो देखो आप कितना मतलब ऑसम व्यू है, बहुत ही अच्छा लगा मतलब जिप लाइन पे, तो देख सकते हो आप कितना मतलब खूबसूरत नज़ारा है। और ये भाई ये भी एडवेंचर इसी में शामिल है, जिसको मैंने स्किप कर दिया, बिकॉज इसके लिए भाई दम होना चाहिए, जो कि मेरे पास था नहीं तो मैंने इसे स्किप कर दिया। और काफ़ी तरह के एडवेंचर थे, सो गाइस फाइनली हमने फुल एडवेंचर कर लिया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और हमारा पूरा टोटल खाने पीने यहाँ तक आने का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये पर हेड आया। और देखो ऐसी बर्फ़बारी में हमने इंजॉय किया, जो कि मनाली जैसा है समझो, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा है। और हमारे मेरे पीछे देख सकते हो मेरे दोस्त भाई कैसे बर्फ़बारी का पूरा लुत्फ़ उठा रहे, फुल इंजॉय कर रहे हैं, इनकी
फाइट चल रही है भाई स्नोफॉल से। उसके बाद हम निकल गए थे भाई इस एनिमल की खोज में, तो ये फाइनली देखो हमें मिल गया। और इस जानवर के ऊपर भाई एक और जानवर बैठा है जो कि बहुत ही अद्भुत लग रहा है। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप भी इसके ऊपर बैठना चाहते हो तो आपको 50 रुपये पे करने होंगे और इस बंदूक के भी 50 रुपये पे करने होंगे। ओनली पिक्चर क्लिक के लिए आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू। अगर आप चैनल पे नवे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ज़्यादा से।